पूजन से आनंद महिंद्रा मिलना चाहते थे और गांव में रह के इतना बढ़िया काम करने के बाद जब आनंद महिंद्रा जैसे लोग इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, उनकी मुलाकात हो पाती है कि नहीं, ये फार्मूला वन कार का जो मॉडिफिकेशन है बिल्कुल उसी के आधार पे हुई है और मैं थोड़ी सी कोशिश के बाद यहाँ पे बैठ चुका हूँ। लगभग कुछ महीनों पहले आनंद महिंद्रा जी ने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट था इसी गाड़ी के बारे में, बस्ती के हरैया के शिव पूजन ने इस गाड़ी को बनाया है और आप इसको देखेंगे तो इसका जो डिजाइन है वो फार्मूला वन जो कार होती है रेसर कार बिल्कुल उसी के आधार पे किया गया है और बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ यह गाड़ी बनी हुई है। आगे एक बैटरी लगी हुई है और पीछे तीन बैटरी लगी हुई है, उसके साथ साथ एक मोटर लगा हुआ है और बाकी इसका मॉडिफिकेशन शिव पूजन जी द्वारा किया गया था। और अभी शिव पूजन जी नहीं है, उनके भाई है, क्योंकि शिव पूजन जी अपनी रोजी रोटी के लिए जिस शिव पूजन से आनंद महिंद्रा मिलना चाहते थे वो शिव पूजन अभी ये सारा कुछ बनाने के बाद भी इतनी टेक्निक, मतलब आप सोचिए कि गांव में रहते हैं और गांव में रह के इतना बढ़िया काम करने के बाद जब आनंद महिंद्रा जैसे लोग इनसे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, उनकी मुलाकात हो पाती है कि नहीं, ये अभी हम लोग जब शिव पूजन जी से मिलेंगे जो कि बस्ती चले गए हैं, बस्ती में जाके वो दूध बेचते हैं और मैं उनको बुलाना चाहा लेकिन वो कहे कि भैया अभी ये दूध बेचने का समय है और रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए आप थोड़ा सा रुक जाइए तब मैं आऊँगा। लेकिन हम लोगों को भी लेट हो रहा था तो हमने कहा कि पहले गाड़ी देख लेते हैं, गाड़ी के पास एक दर्शकों को गाड़ी दिखा देते हैं, उसके बाद से फिर चलेंगे बस्ती और बस्ती शिव पूजन जी से भी मुलाकात होगी। सर ये बताइए ये गाड़ी कितने दिन में बना लिए थे आपके भाई साहब? क्या क्या है, मतलब कि कैसे कैसे बनाए थे, इसके बारे में बहुत आपको नॉलेज नहीं है? अच्छा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उतरिए, मैं देखना चाहता हूँ इसको, यदि आपको मतलब कोई दिक्कत ना हो। अब मैं इस माइक को लगाऊंगा कॉलर में, हालांकि ये जो सीट जिस तरह से बनी है मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे बैठ पाऊंगा क्योंकि मुझे पैर में थोड़ी तो दिक्कत है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। अब फार्मूला वन कार का जो मॉडिफिकेशन है बिल्कुल उसी के आधार पे हुई है और मैं थोड़ी सी कोशिश के बाद यहाँ पे बैठ चुका हूँ। और आप यकीन जानिए कि गाड़ी थोड़ा सा साइड करियो, आप यकीन मानिए कि ये जो कार है बहुत ही, मतलब कि ये स्पीड इसकी बहुत शानदार है। आप इस तरह से समझिए कि यहाँ पे मीटर भी लगा हुआ है और मीटर लगने के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं अट्रैक्टिव लाइट भी लगी हुई है और कार बहुत शानदार चल रही है, मतलब कि यहाँ पे इस लेकर लेते ही बहुत तेजी से भाग रही है और मैं इसको थोड़ा सा तेज चलाऊंगा थोड़ी देर के लिए। आउट ऑफ रेंज, बैक कैसे आएगी? मतलब इसकी फीचर की जितनी तारीफ की जाए और इस लड़के की जितनी तारीफ की जाए सब कुछ कम है। और ऐसे लोगों को जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको मौका देना चाहिए ताकि वो लोग ऐसे लोगों को आगे बढ़ा सके। आनंद महिंद्रा के उस बड़ी जो खासियत है
वो यह भी है कि ये कंफर्टेबल बहुत है, भले से नीचे बैठ के चलाना पड़ रहा है, मतलब बिल्कुल डाउन है, लेकिन एक बार बैठने के बाद पूरी तरह से यह सीट बिल्कुल कंफर्टेबल इन्होंने बनाया है। एक अच्छा इंजीनियर जो जो कर सकता है सीमित संसाधनों में, वो सब कुछ इस फार्मूला वन की तरह दिखने वाली गाड़ी में किया गया है, बनाया गया है। और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा ऑफर किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की गाड़ियां बने। और कहीं ना कहीं अगर कोई घर पे रह के सीमित संसाधन में इतनी टेक्निकलिटी के साथ इतना बढ़िया आविष्कार कर सकता है, इतना बढ़िया चीजें बना सकता है, तो सोचिए कि यदि उसको संसाधन मिलने लगे तो वो क्या करेगा। और बच्चा बच्चे जो है थोड़े नटखट होते हैं, तो कहीं भी उनको नहीं समझ होती है। तो मैं अपील करूंगा आनंद महिंद्रा जी से कि सिर्फ ट्वीट मत कीजिए सर, यह व्यक्ति वाकई में बहुत ही होनहार है, ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए और बुलाकर कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और यदि वो आपके वहाँ कोई काम कर सकते हैं और अपने दिमाग से नए नए आइडिया के साथ आपका सहयोग कर सकते हैं और आप लोग मिलके एक नए भारत की तरफ जो गाड़ियों का जो सीरीज है, जैसे लगातार महिंद्रा ला भी रही है, उसमें अगर कुछ इनकी इनका भी अगर रोल हो जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी बहुत आगे बढ़ेंगे और ऐसे लोगों को मौका तो मिलना चाहिए। बाकी हम लोग शिव पूजन के पास जाएंगे जहाँ पे वो दूध बेच रहे हैं और वहां से जाके उनका हाल चाल जानेंगे और जानेंगे सफर इस गाड़ी को बनाने का आइडिया उनके पास कहाँ से आया और किस तरह से वो उन्होंने इस गाड़ी को बनाया और साथ ही साथ कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा। मेरे साथ इस वक्त शिव पूजन के पिताजी हैं। ये बताइए कि बच्चा आपका कितने साल की उम्र हो गई होगी बच्चे की आपके? 30 साल। तो पढ़ाई लिखाई मतलब कहाँ तक हुई है उनकी? इंटर पास करके फिर इतना बढ़िया पढ़ाई लिखाई आगे क्यों नहीं बढ़वाए आप? मनमनाई लगाते रहे अच्छा BNI की है साल भर पढ़े रहे साल भर बाद छोड़ दी है। अच्छा तो आप कहे ना कि क्या नाम है, ना पढ़ो तो मरबो कर घर पे खा देते जवान हो अरे पिताजी लोग डांटते हैं ना कि बेटा पढ़ लो बाप में बहुत ताकत होती है, अगर बच्चा पढ़े तो कैसे पढ़ा देगा क्यों चाचा? तो ये बताइए इतना बढ़िया बनाए हैं तो जान के मतलब कि जब आपको देखे खुशी नहीं हुई? बनाओ तब खुशी रहा हुई की गलत हुई बन गया तब खुशी मन लगता है इन सब चीजों उनका पुरान गाड़ी ले ले रहे हैं बनाए का अपन केठ बना मिलवाना केठ बनौले बाना कारोबार दूठू खरीद कैसे है अच्छा बिगड़ा उदा रहा तो अपन बनाए ली अच्छा बना ली हैं तो अभी क्या कर रहे हैं? दूध बेच रहे हैं तो खर्चा उर्चा चल रहा है घर का खर्चा चलता है। अरे वो नहीं खाली थोड़ा चार जने हैं सब लेके थोड़ा कमाते हैं सब अपन अपन देखे हैं भंडारी हो जो गड़िया दिखारी में खाना बनाओ वाला दूसरा नंबर का मिस्त्री हो राजगीर अच्छा जो राजमिस्त्री जो घर और बना वाला और दूध बेचे वाला मैंने सब अपन कमात बस सब अपन खा जो खा नंबर का लड़का जो होता है खाना बना ही देता है वायरिंग काम वायरिंग वाला काम अच्छा खनवा उनवा मतलब शादी भी जो बनावल जाला अच्छा तो वायरिंग वाले में तो ठीक ठाक कमाई हो जाले। सबसे बढ़िया लड़का कौन है? लड़का सबसे होनहार कौन है आपके? सबसे तो यही हैं ये बनाए हैं जो बनाए हैं दरवाजा और जो खुद बनाए हैं। अच्छा चलिए अब आपके लड़का से चलो मिलब यही बताएं कि घर के मतलब सब लड़के इकट्ठे बाड़ा कि अलगे आजकल तो जो लड़के जवान होते अपन अपन लगत हो बेदन सब बहुत दरवाजा दिखाई इतना बढ़िया दरवाजा तो मिस्त्री नहीं बनाए दरवाजा बनाए हैं दरवाजा सब लड़के होनहार हैं। अच्छा सब हो रहा है सब हो देख रहे गर्व से किस तरह चौड़ा हो गया। आप ये सोचिए योग्यता यदि अपने मतलब कि अगर किसी पिता के बेटे में योग्यता हो यह बात सिर्फ एक बाप समझ सकता है और या फिर उनके बच्चे समझ सकते हैं। गर्व से देखिए सीना चौड़ा हो गया गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जैसे कि चाचा का हो गया। और जाएगी
अच्छा ये प्रेशर वाला दरवाजा बनाए। चलिए पूजन जी के पिताजी थे और हम मिलेंगे पूजन जी जी से। एक मशीन बना है यहाँ पे अपने पिताजी को, ये छाटी बाल से देखते होंगे तो धीरे से मोटर लगा दिए और पूरा सेट कर दिए। अब मेहनत का चढ़ाई लगा थोड़ी अब आराम से बाल आ जाते छटिया का चरी वरी बाल ली। अच्छा बर्तीन होले चरी होले घास होले होता होला कुबरा हो रहा होला ना वो सब कुछ कटी। अगर जैसे बिजली का है बिजली कट गया ना तो इंजन चालू हो गया ना कहूँ धीरे से इंजन में पट्टा लगा देते हो। अच्छा ना अच्छा उमन लगल है यही चालू यही जोड़ जाए बिजली बस चाहे बेल्ट है भाई का नाम इतिया वाला बेल्ट लगल है। ये सब बेल्ट तो मन लगल है ना कंपाइन मशीनिया में वो वाला निकाल के जुगाड़ से लगा दी। अब मैं आपको मतलब ये बताना चाहता हूँ कि मैं शिव पूजन मतलब जब इनके बारे में तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति से मिलना चाहिए इस ओनर से मिलना चाहिए। सीमित संसाधनों में जो व्यक्ति इतना बेहतरीन कर सकता है सोचिए अगर उसको मौका मिले तो क्या क्या कर सकता है। तो फिर से अपील करूंगा बाकी शिव पूजन से मिलना अभी बाकी है।